हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आपको अच्छी वैकेंसी दी जा रही है। मैं आप सभी को बता दूं, आप जहां पर देख सकते हो BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB की तरफ से नई पोस्ट निकल के आ रही है। इसमें आपको टोटल 159 पोस्ट दी जा रही हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड पर आपको जो घंटी का आइकन दिखेगा उसे भी दबा लीजिएगा। जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊंगा वो आप सबसे पहले देख सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSV की तरफ से। आप जहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो, BSF में आपको 35 वैकेंसी दी जा रही हैं और साथ में CRPF में आपको 36 वैकेंसी मिल जाएगी, CISF में 67 और ITBP में 20 और SSV में एक आपको वैकेंसी दी जा रही है। टोटल 159 पोस्ट निकल के आ रही हैं और साथ में आप जहाँ पे देख सकते हो 13 वैकेंसी आर बैकलॉग वैकेंसीज, मतलब 13 जो वैकेंसी है वो बैकलॉग जाने जिनके पास सर्टिफिकेट होता है उनके लिए भी जहां पे रिजर्व कर रखी है। तो काफी अच्छी मतलब पोस्ट निकल के आई है। एग्जाम सेंटर की बात करता हूं, आपका जो पहले एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो कहां कहां आपको सेंटर मिल सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हो तो आप जहां पे अपने पास का सेंटर भी फिल कर सकते हो, सभी आपको जहां पे अपडेट मिल जाएंगे। अगर मैं जहां पर बात करता हूं जम्मू का भी आप जहां पे फिल कर सकते हो और साथ में श्रीनगर का भी आपको जहां पे मिल जाएगा, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, सब कुछ, दिल्ली, देहरादून, सभी आपको जहां पे सेंटर मिल जाएगा, आप जहां से देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी ऑनलाइन डेट क्या है, कब से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, एज लिमिट क्या रहेगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है UPSC की तरफ से। जहां दोस्तों आप जहां पे देख सकते हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और अगर मैं डेट की बात करता हूं आप कब से अप्लाई कर सकते हो, तो इसकी जो डेट निकल के आ रही है 15 अप्रैल 2021 से आप अप्लाई कर सकते हो। और उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे, तो लास्ट डेट है 5 मई 2021 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आप जहाँ पे देख सकते हो पूरा जहाँ पे बता दिया गया है, पहले सबसे पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा क्वालिफाई होते हो, तो उसके बाद आपका जो भी फिजिकल टेस्ट है वो करवाया जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा। दोस्तों, ये फॉर्म आप जहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, जो कि upsconline.nic.in पर है, तो वहाँ पर आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ID प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, आप जहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको जहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह से वोटर कार्ड का कोई भी ID प्रूफ है तो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी कि 5 मई 2021 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और साथ में अगर मैं बात करता हूँ जहाँ पे क्वालिफिकेशन की या फिर एज की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसके लिए एज जो रखी गई है वो रखी गई है 20+। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज 20 हो चुकी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 20 से लेकर 25 ईयर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जैसे SC का, ST का, OVC, इस तरह का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको एज में छूट मिल जाएगी। जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से लेकर 25 के बीच होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो आपको जहाँ पे मैक्सिमम 3 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको जहाँ पे 3 ईयर का एक्स्ट्रा चांस मिल जाएगा, या फिर 5 ईयर के लिए आपको सिविलियन गवर्नमेंट सर्विस इन अकॉर्डिंग विद द, मतलब आपको जहाँ पे मतलब वैकेंसी के फॉर्म फिल करने के लिए आपको छूट मिल जाएगी अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं जहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, दोस्तों क्वालिफिकेशन यही है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप जहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बैचलर डिग्री पड़ी हुई है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी जो डिग्री है वो अभी पेंडिंग है, जैसे कि अभी आपका फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप भी अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे कि इसकी जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके अंदर अगर आपका फाइनल एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं, रिजल्ट वगैरह अनाउंस हो जाता है, तो आप जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपका भी जो नंबर है वो सिलेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको जहाँ पे फिजिकल के बारे में बता दूँ, आपको 100 मीटर रेस होगी, उसके लिए आपको 16 सेकंड दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप जहाँ पे देख लीजिए 16 सेकंड दिए जाएंगे। अगर आप 800 मीटर की रेस करते हैं तो उसके लिए आपको 3 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप होगा आपका 3.5 मीटर का, आपको 3 चांस दिए जाएंगे अगर आप क्वालिफाई कर दोगे तो, काफ़ी अच्छी बात है।
शॉर्ट पुट थ्रो करने के लिए 7.26 केजी का वेट होगा, उसको जो थ्रो करना होगा वो 4.5 मीटर तक आपको थ्रो करना होगा। और फीमेल के लिए 18 सेकंड दिए जाएंगे 100 मीटर के लिए, 4 मिनट 45 सेकंड दिए जाएंगे 800 मीटर के लिए, और लॉन्ग जंप होगा 3 मीटर का, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये सब आपको ये सब फिजिकल क्वालिफाई करना होगा और आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपका मेरिट के हिसाब से आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, इंटरव्यू भी होगा आपका, सब कुछ होने वाला है दोस्तों, आप जहाँ पे चेक कर सकते हो इस नोटिफिकेशन में। तो बस इतना दोस्तों आज की इस वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।